मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास ऑफ प्लस वन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज़ विच असीं गुरदयाल सिंह दे नावल मड़ी दा दीवा दे कांड नंबर एक उपर चर्चा की है। मैनू उम्मीद है कि तुसीं इस कांड दा सार अपनी कापियां दे उपर जरूर लिख लिया होगा। साड़ी अज दी वीडियो दा विशा नावल मड़ी दा दीवा दा कांड नंबर दो है, जिस विच असीं कांड दो दे सफा नंबर 12 अते 13 दी रीडिंग करांगे। ते रीडिंग दे दौरान आए सारे औखे शब्दां वाकंशां अते सत्रां दी भी चर्चा करांगे। पर इस तों पहलां मैं तुहाडे नाल संखेप सार सांझा करना चाहुंदी हाँ। स्टूडेंट्स, कांड नंबर दो दा संबंध मुख तौर ते नावल दे दो मुख पात्रां नंदी अते उसदे पुत्तर जगसीर नाल है। कांड दे आरंभ विच जगसीर कुक्कड़ दी पहली बांग नाल उठदा है ते चाह पी के धर्म सिंह दे घर वल तुर पैंदा है, जो कि उसका मालिक है। धर्म सिंह बलदा नूं पहला ही पट्ठे पा के बैठा होया हुंदा है। असल विच पिछले 30 वरियां तों धर्म सिंह साल विच दो वार बलदा नूं पट्ठे आ पाउंदा सी, जदों जगसीर ने अपना खेत वाहुणा हुंदा सी। जगसीर बलदा नूं लै के खेत वल तुर पैंदा है ते रस्ते विच धर्म सिंह ते उसदे पुत्तर पंते दे रवैये बारे सोचदा है। पंते दा सुभा हुण उस नाल पहला नालों कुछ खरवा हुंदा जांदा सी, पर अजे भी ओ धर्म सिंह दा दबा मनदा सी। जगसीर जदों खेत नेड़े अपड़िया तां उसने अपनी रप्पड़ होई पैली नूं वेख्या तां उसदा तरा निकल गया। असल विच इह ओह खेत सी जो धर्म सिंह दी जायदाद सी, पर जगसीर दी इस नाल जन्म दी सांझ सी, क्योंकि धर्म सिंह दे प्यो ने जगसीर दे प्यो नूं भाव ठोले नूं बणदे सीर तों इलावा इह 4 वीघे जमीन भी दित्ती होई सी, जिस नूं पहला ठोला अपना खेत आखदा सी ते हुण जगसीर भी इस नूं अपना खेत ही समझदा सी, क्योंकि ओह ठोले दी मेहनत सदका ही जद्दी जमीन नालों कई गुणा वध जमीन बना सकिया सी। इस तरह धर्म सिंह दा प्यो मरण लग्या ठोले दी बां धर्म सिंह नूं फड़ा गया सी ते ठोला मरण लग्या जगसीर दी बां भी धर्म सिंह नूं फड़ा गया सी ते धर्म सिंह ने जगसीर नूं सीरी नहीं बल्कि अपना भरा समझिया सी ते किते पिठ नहीं सी दित्ती। पर पंता ए 4 वीघे जमीन खोण पिछे कई वार धर्म सिंह नाल खैबड़ चुका सी। जगसीर इन्हां सोचां विच डुब्बा जद खेत पुज्जा तां उसने टाली हेठ बनी अपने प्यो ठोले दी मड़ी ते मत्था टेकिया ते फिर जदों उह सिर उतां चुकदा है तां उसनूं टाली विच अपने प्यो दा मुहांदरा नज़र आउंदा है। फिर उह कवेले दा ख्याल करके खेत वाहुण लग पिया ते ओह खेत इह उही खेत सी जिस नूं 30 वरे पहलां ओह उहदा प्यो ठोला वाहुंदा रिहा सी ते इस खेत दे दाणे ओह कदी मंडी नहीं वेचदा सी ते वड्डे हो के जगसीर ने भी अपने प्यो दी इस रीत नूं तोड़िया नहीं सी। अद्धा क्यारा वाहुण तों बाद जगसीर ने बलदां नूं गुड़ चटाया ते सूरज चढ़न ताईं उन्हें 2 क्यारे वाह दित्ते सन, पर अचानक उसने वेख्या कि उसकी माँ नंदी डंगोरी मारदी ते काली काली तुरी आ रही सी। जदों ओह टाली दे नेड़े आई तां जगसीर ने ओहदे सिरों रोटियां वाला पूणा ते कच्ची लस्सी दा कुज्जा ला लिया ते इस तों पिछों नंदी ठोले नूं याद करदी ते वैण पौने याद करदी हुई वैण पौने शुरू कर दिंदी है ते उस नूं नहूरा मारदी है कि ओह अपने पुत दा इस जग नाल सीर पवा के नहीं गया ते अपनी मड़ी ते दीवा जगाउण दा प्रबंध करके नहीं गया। इस तरह नंदी दे इन्हां वैणां नूं सुण के जगसीर भी भावुक हो जांदा है। फिर नंदी दा रो रो के जद मन हौला हो जांदा है ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠ ਕੋ ਚੌਲ ਧਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੋਲੇ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਠੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੁਰਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤਾਈਂ
उस दी मड़ी नहीं पूजेगी, भाव कि वह अगली फसल ताई कोई एहो जी करामात दिखावे कि जगसीर दा घर वस जावे ते उस दी मड़ी पूजन वाली आ जावे। इस तो बाद उसने दो अद्धियां अद्धियां रोटियां बलदां नूं चारियां ते फिर नंदी ने तीन रोटियां दे उत्ते चौल धर के जगसीर नूं फड़ाई, पर उस तो मसा ही अद्धी रोटी खाधी गई ते बाकी उसने ढाई फुलके टाली दे मुढ नाल रख दित्ते। नंदी फिर वैण पौण लग पैंदी है ते पिंड नूं मुड़ जांदी है। जगसीर बलदां नूं ललकारा मारदा है पर उस तो हुण आप ही तुरिया नहीं जा रहा सी ते इंज लग रहा सी कि जिवें उह बलदां दे पिछे घड़ीसदा जिहा जा रहा होवे। उसने जदों हुण अपना चिहरा उतां करके निगाह मारी तां उसने वेख्या कि उसदी कुब्बी होई मां नंदी पिंड वल नूं तुरी जा रही सी, जो उसनूं पहलां हौली हौली नज़र आउंदी है पर बाद विच अलोप हो जांदी है। डियर स्टूडेंट्स, हुण असीं इस कांड दो दे सफा नंबर 12 ਅਤੇ 13 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਰਡ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕਾਹਲ ਨਾਲ। ਕਾਹਲ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ, अपड के, पहुंच के। अगला शब्द है नेम अनुसार, अर्थात नियम दे अनुसार। पठे पा दिते, पठे पौने पशुआं नूं चारा पा देना। खासे चिर दे, काफ़ी समय दे जां काफ़ी देर दे। देहे नरोई, देहे नरोई रहे भाव कि शरीर तंदुरुस्त रहे। दूणा चौणा होवे, खुशहाल होवे, वधे फुले। नैक्सट वर्ड खरवे सुभा। खरवे सुभा तो भाव है करखत सुभा जां कौड़ा सुभा। अगला शब्द है जन चढ़ना। जन चढ़ना है बराते जाना है। पिंड उजड़िया जाए कमली नूं चाटा खोहंदी। एक अखाण है जो उस स्थिति जो उस व्यक्ति वास्ते वरत्या जाता है जदों अगले नूं इह दर्शाउणा होवे कि वह अपने हित जां केवल अपने लाभ नूं ही तरजीह दे रहा है, भाव किसी नूं स्वार्थी दर्शाउण लई इह शब्द वरत्या जाता है। आकी भाव विरोधी जां बागी होना। उलझना, औकड़ा। नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ कांड नंबर 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, जगसीर जदों सवेरे उठिया उदों अजे कुक्कड़ ने पहली बांग ही दित्ती सी। हनेरे पख दी नौवीं दा चन्न अजे हुणे चढ़िया सी। जगसीर ने नंदी नूं आवाज़ मारी। नंदी कौन सी? जगसीर दी मां सी। ओ जागदी ही पई सी। जगसीर बकरी चोण लग पिया ते नंदी ने चाह तर दित्ती। चाह पी के जगसीर काहल नाल धर्म सिंह दे घरों बलद लैण लई तुर पिया। उत्थे अपड़ के उन्ने वेख्या कि अपने नेम अनुसार धर्म सिंह ने जगसीर दे जाण तों पहलां ही बलदां नूं पट्ठे पा दित्ते सन। बलदां नूं पट्ठे किसने पा दित्ते सन? धर्म सिंह ने, जो कि जगसीर दा जिमीदार मालक सी। पट्ठे चरले बाई बलदां ने? जगसीर ने जांदियां ही पुछिया। हाँ, खासे चिर दे पाए है। धर्म सिंह ने खुरली विच हाथ मारदियां कहा ते बलदां नूं थापी दे के बोलिया, हुण तां कुखां कड्ढी खड़ोते है, लै जा। जगसीर ने सदा वांग धर्म सिंह दे पैरां नूं हाथ लाए ते धर्म सिंह ने असीसां दित्तियां, तेरी जड़ पताल लगी, दे नरोई रहे, दूणा चौणा होवे। हाँ जी बेटा, असीं इन्हां सत्रां विच इह पढ़िया है कि जगसीर जो कि इस नावल दा मुख पात्र है वह सवेरे उठदिया सार ही पहलां बकरी चौणी शुरू कर दिंदा है ते अपनी मां नंदी नूं चाह बनाउण लई उठाउंदा है ते चाह पींदिया सार ही वह धर्म सिंह दे घर बलद लैण लई चला जांदा है तां जो अपने खेत नूं वाह सके। धर्म सिंह ने अपने नेम अनुसार बलदां नूं जगसीर दे आउण तों ही पहलां पट्ठे पा के रजा दित्ता होया सी ते जदों जगसीर उसदे घर अपड़दा है तां बलदां नूं रज्जे हुए
ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਗਸੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨਸ। ਜਗਸੀਰ ਬਲਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਤੇ ਦੇ ਖਰਵੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭਾਏ ਧਰਮ ਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਜਗਸੀਰ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਗਸੀਰ ਕਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਤਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝ 30 ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਖਰਵਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਤੂੰ ਜੰਨ ਚੜ੍ਹਨਾ? 4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਮੋਠ ਅਜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਦੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ ਜਾਏ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਝਾਟਾ ਖੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਪੰਤਾ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਟਕੋਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀਆਂ 17। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਤੇ ਦੇ ਮੁੜ ਕੁਝ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕੇ ਬਲਦ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਤਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਆਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਮਨ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਤੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਚਿੱਤ ਭੈੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਆਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਤਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਜਗਸੀਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਰਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਗਸੀਰ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਤਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌੜਾ, ਕੁਰੱਖਤ ਅਤੇ ਖਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਸੀਰ ਨੇ ਪੰਤੇ ਨੂੰ ਬਲਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲਦ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਬਲਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਬਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਰਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ
औखे शब्दों के अर्थों की चर्चा करांगे। सब तो पहला शब्द है रप्पड़। रप्पड़ का अर्थ है सुक्की जमीन। तराहा निकल गया भाव डर जाना। तराहा निकल जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सहम जाना जा डर जाना। विहरके, विहरके का अर्थ होंदा है अड़के। ओड़ ओड़ विहा बिजा के, ओड़ ओड़ विहा बिजा के भाव कि जमीन का भूरा भूरा जिहड़ा हिस्सा सी उहनूं विहा के उहदी वहाई करा के ते उहदी बिजाई करा के। अगला शब्द है बेटा खब्बल। खब्बल का अर्थ है खेत विच उग्या होया का। सुरत संभाली सी, सुरत संभाली सी भाव होश संभाली सी। नैक्सट वर्ड है पग दे के। पग दे के भाव पग वटा के जां धर्म दा भरा बना के। सीर, सीर दा अर्थ है एक मालक द्वारा अपने सीरी जां कामे नूं उस दे मेहनताने दा जो इवजाना दिता जांदा है जां जो मेहनत बनदी दित्ती जांदी है उस नूं सीर कहा जांदा है। अगला शब्द है आहला ते अदना मालकी दे झगड़े। इसका अर्थ है विरासत नाल संबंधित झगड़ा। मेरा मां जाया भरा, मां जाया भरा भाव सका भरा। हंसां दी जोड़ी, हंसां दी जोड़ी भाव इको जिहे लगन वाले जां जिन्हां विच बहुत ज़्यादा प्यार हुंदा है उन्हां नूं हंसां दी जोड़ी कहा जाता है जो हमेशा इको जिहे दिसदे हन। लोक लज, लोक लज तो भाव है लोकां दी शर्म, समाज दी लज्जिया। जान हूल के, जान हूल के भाव जान मार के, जान नूं जोखम विच पा के। दूनी, दूनी दा अर्थ है होर दुगनी, दो गुणा ज्यादा। दुरैत, दुरैत दा अर्थ है वितकरा भेदभाव जां दुजैग दी भावना। अगला शब्द है सप्पां दियां सिरियां मिद मिद बनाईएं। सप्पां दियां सिरियां मिद मिद जमीन बनाउण तों भाव है कि हड भन्नवी मेहनत दे नाल नाल जान भी जोखम विच पा के कीता गया कम। असल विच ये शब्द काफ़ी व्याख्या मंगदा है क्योंकि किसान जदों खेतां विच कम करदे हन तां खेतां विच कई तरह का घाह फूस झाड़ियां आदि होण कारण उत्थे तरह तरह के सप हुंदे हन जो कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हन। किसान इन्हां सप्पां नूं मार के इन्हां दे कारण अपनी जान नूं जोखम विच पा के खेतां विच कम करदे हन ते इस तरह हड भन्नवी मेहनत दे नाल नाल ओह जोखम भी उठाउंदे हन। सो इत्थे इह सप्पां दीआं सिरियां मिद मिद के जमीन बनाई वाला जो वाकंश है ये ठोले लई वरत्या गया है। अगला शब्द है पाणीहार। पाणीहार तो भाव निमाणा तुश जां प्राणी। अगला है भगती च भंगणा पै गई। भगती च भंगणा पै गई भाव कोई भगती च रुकावट पै गई, अड़चन पै गई जां विघन पै गया। नैक्सट वर्ड है भुब्बां निकल गईआं। भुब्बां निकल जाना जोर जोर नाल रोना जां जारो जार बेतहाशा रोना। पैर हंजुआं नाल धो दित्ते। हंजुआं नाल पैर धोण दा भाव है कि बेहद रोना। नैक्सट वर्ड इज सैनत मार के भाव इशारा करके संकेत दे के। मंजे दी हीं, हीं दा अर्थ है मंजे दी एक बाही जो कि लकड़ दी बनी हुंदी है जां मंजे दा एक पासा। डियर स्टूडेंट्स हुण असीं सफ़ा नंबर 13 दी रीडिंग करांगे ते इस दे उपर चर्चा करांगे। जगसीर जदों अपने खेत दे नेड़े अपड़िया तां रप्पड़ होई पैली वल वेख के उसदा त्रा निकल गया। किन्ने दिन हो गए सन उस पंते तों विहर के मसां पाणी लाया सी पर उन्हें अपनी ओड़ ओड़ वहा बिजा के फेर किते जगसीर दा खहड़ा छड़िया सी। इन्हां दिनां च किन्ना किन्ना खब्बल उग पिया सी। जगसीर नूं जापिया जिवें चाननी विच लिशकदियां खब्बल दियां तिड़ां उहदे वल झाक झाक के मुस्कड़िए हस रहीआं होण। हाँ जी बेटा, इस पैरे विच असीं इह पढ़िया है कि जदों जगसीर बल्द लै के अपने खेत दे नेड़े पहुँचिया तां उसने सुक्की होई रप्पड़ होई पैली वल वेख्या तां इकदम उसदा हौका ही निकल गया क्योंकि इस तों किन्ने दिन पहलां उसने पंते तों पूरी वाह ला के अड़के भाव उस तों विहर के उस दे विरुद्ध जा के इस खेत नूं मसां पाणी लाया सी तां जो ये खेत वहाउण ते बिजाउण जोगा हो सके। पर पंता जो कि उहदे नाल ईरखा रखदा सी मन विच उसने
जगसीर नू उस खेत वाल जाने नहीं दिता सी ते अपने खेतां विच ही उसनू ओड़ ओड़ अपनी जमीन वाहुण ते ला छड्डिया सी ते फिर किते जाके उसने जगसीर नू जगसीर दा खेड़ा छड्डिया सी ते इन्ने दिनां विच जदों जगसीर अपने खेत विच आया तो उसने की वेख्या कि उसके खेत विच जिहड़ा लगा होया पानी सी उसका कोई असर नहीं रह गया सी बल्कि पानी सुकण तो बाद जमीन एकदम बिल्कुल रप्पड़ हो गई सी ते इन्ने दिनां विच उसके खेत विच काफ़ी वड्डा वड्डा घा उग आया सी ते उसनू चन्न दी चाननी विच इंज प्रतीत हुंदा है कि जिवें खेत विच उगियां होईयां एक खब्बल दीआं तिणां उस वल झाक के उसका मखौल उड़ा रही होण भाव व्यंगमय तरीके नाल उस वल हस रही होण। जगसीर दी इस पैली नाल जन्म दी सांझ सी। जदों तो उन्हें सुरत संभाली सी अपने प्यो नूं इह जमीन अपनी करके वोंदिया वेखदा आया सी। किसने सुरत संभाली सी? जगसीर ने सुरत संभाली सी भाव की होश संभाली सी ते उदों तो ही उन्हें इह वेख्या सी कि उहदा प्यो ठोला इस खेत नूं अपना खेत कह के वोंदा आया सी। उहदे मरन पिछों भी अजे ताईं उह इहनूं अपनी समझदा सी। किसदे मरन पिछों? ठोले दे मरन पिछों। जगसीर अपने प्यो ठोले दे मरन पिछों इस खेत नूं अपना ही समझदा सी पर यह धर्म सिंह की मलकीयत सी। पर हकीकत विच एक खेत किस दी जायदाद सी? यह धर्म सिंह की जायदाद सी। जगसीर दे प्यो नूं धर्म सिंह दे प्यो ने उन्हां दे जद्दी पिंडों पग दे के इत्थे लियांदा सी। पग दे के इत्थे लियांदा सी भाव कि धर्म दा भरा बना के लियांदा सी। बणदे सीर तों बिना धर्म सिंह दे प्यो ने जगसीर दे प्यो नूं 4 विघे पैली भी दित्ती सी। सो यही कारण सी कि धर्म सिंह दे प्यो ने ठोले नूं जो उसका सीर बनता सी, सीर तो भाव यह है कि जो एक कामे का मेहनताना बनता सी उस तो इलावा उस तो वक्री उन्होंने ये 4 विघे पैली भी दित्ती सी क्योंकि उसनों अपना सीरी जां कामा नहीं समझता सी बल्कि उसनों अपना धर्म का भरा मानता सी। आपो विच उन्हां दे संबंध अजिहे सन कि ये 4 विघे धर्म सिंह दे प्यो ने जगसीर दे प्यो दे नां करवाउण दी वी पक्की सलाह की पर अहला ते अदना मालकी दे झगड़े करके वह उहदे नां नहीं सी करा सकिया। भाव इत्थे है कि धर्म सिंह दा प्यो जगसीर दे प्यो ठोले नाल इन्ना मोह करदा सी कि उसने ये 4 विघे जमीन केवल उसनूं वाहुण बीजण लई ही नहीं दित्ती सी पा उह की बल्कि उह पक्के तौर ते ये 4 विघे जमीन उहदे नां करवाउणी चाहुंदा सी पर मलकीयत जां विरासत नूं लैके जो कानूनी झगड़ा हुंदा है जां रुकावट हुंदी है उसदे करके उह अपनी इह इच्छा पूरी नहीं कर सकिया सी। कई वारी तां धर्म सिंह दा प्यो मोह विच आ के आखदा ठोलिया जे तूं मेरा मां जाया भरा हुंदा तां मैं तेरे नां अद्धी लवा दिंदा। जगसीर नूं याद सी कि धर्म सिंह दा प्यो ते उहदा प्यो इकट्ठे सेलवरा दे मेले जांदे हुंदे सन तां दोहां दे इक्को रंग दीआं पग्गां इक्को जिहे कुड़ते ते इक्को जिहीआं दुखल्लियां सुच्चे सुनहरी तिल्ले दीआं कड्डीआं जुत्तियां हुंदीआं सन। इत्थे जगसीर जदों खेत नूं जा रिहा हुंदा है तां उह याद करदा है कि जदों उह छोटा सी तां उसदा प्यो ठोला ते धर्म सिंह दा प्यो इकट्ठे सेलवरा दे मेले जांदे सन तां उह समें बेशक इक मालक ते इक नौकर हुंदा सी पर दोहां दा पहरावा इक्को जिहा हुंदा सी। सारे पिंड विच उन्हां नूं लोक हंसां दी जोड़ी आखदे सन। उन्हां दे समूह करके पिंड दे लोकां ने लोक उन्हां नूं हमेशा हंसां दी जोड़ी कह के पुकारदे सन। लोक लज्जदा मारिया भावें धर्म सिंह दा प्यो जगसीर दे प्यो नाल लोकां सामने बैठ के नहीं सी खांदा पर जदों जगसीर 5 कु वरियां दा सी तां उन्हें एक दिन खेत वाली झुग्गी विच उन्हां दोहां नूं इक्को ठूठी विच दारू पींदिआं वेख्या सी। जगसीर नूं चेता आउंदा है कि बेशक लोकां दी शर्म दे करके जां लोकां तों झिझकदा होया धर्म सिंह दा प्यो ठोले दे नाल लोकां सामने खांदा पींदा नहीं सी पर ओले छप्पे उहदे नाल कोई दुरैग नहीं करदा सी जां कोई दुजैग दी भावना नहीं रखदा सी क्योंकि जगसीर ने एक वार खुद उन्हां नूं इक्को ठूठी विच दारू पींदे होए वेख्या सी। धर्म सिंह दे प्यो कोल जद्दी जमीन बहुती नहीं सी। जद्दी जमीन तों भाव इत्थे है कि पिता पुरखी जां पुरखियां तों मिली हुई जमीन पर जगसीर दे प्यो ने ते उन्हें दिन रात जान हूल के इन्नी कमाई कीती सी कि जिद्दे धर्म सिंह दा प्यो मरिया उन्हें अपनी जद्दी जमीन नालों
दूनी होर खरीद ली सी। सो इन्हां सत्रां विच इह स्पष्ट हुंदा है कि धर्म सिंह दा प्यो ठुल्ले नाल इन्ना मोह क्यों करता सी। तां इसदा कारण असल विच इह सी कि धर्म सिंह दे प्यो कोल कोई जद्दी तौर ते बहुती जमीन जायदाद नहीं सी, बल्कि जगसीर दे प्यो ठोले ने धर्म सिंह दे प्यो नाल दिन रात हड भनवी मेहनत करके इन्नी कमाई कीती सी कि उहदी मेहनत सदका ही धर्म सिंह दा प्यो जिस दिन मरदा है जां जिस दिन मरिया तो उस समय तक उसने अपनी जद्दी पुश्ती जमीन नालों दो गुणा ज़्यादा जमीन खरीद ली सी। ते अपनी इस तरक्की विच, अपनी इस खुशहाली विच उह ठोले दा योगदान होण करके अपने आप नूं उसदा एहसान मंद मानदा सी। ते जगसीर वह मौका सारी उम्र कदे नहीं सी भुल सकता जदों धर्म सिंह दे प्यो ने मरण तो एक दिन पहला जगसीर दे प्यो नूं अपने कोल सद के अपने पुत्र धर्म सिंह नूं कहा सी, धर्मिया ठोले नूं मेरा ही रूप समझी। ठोले नूं मेरा ही रूप समझी तो भाव यह है कि वह ठोले नूं अपना सीरी नहीं बल्कि उसनूं अपने प्यो दे समान ही समझी। जे इहदे नाल कोई दुरैत रखी तां मैनूं शांति नहीं आउंदी। इसका भाव यह है कि जे उसके मरण तो बाद धर्म सिंह ने ठोले नाल कोई वितकरा किया जां कोई भेदभाव जां बेइंसाफी की तां उसके प्यो नूं मौत उपरंत शांति प्राप्त नहीं होगी, मेरी आत्मा नरकां च तड़फदी रहू ते उस द्वारा किए इस काम के नतीजे वजो उसनूं नरकां विच जाना पवेगा ते नरकां विच भी जाके उसकी रूह ठोले नाल हो रहे वितकरे कारण तड़फदी ते कुरलौंदी रहेगी। तेरी सारी जायदाद इस ठोले ने सप्पां दियां सिरियां मिद मिद बनाई है, नहीं तो मैं किहदे पाणी हार सी। सो इत्थे धर्म सिंह दा प्यो ठोले की वडियाई करदा होया स्पष्ट करदा है ते धर्म सिंह नूं दसदा है कि अज धर्म सिंह जिस जायदाद दा मालक है यह सारी जायदाद ठोले ने सप्पां दियां सिरियां मिद मिद के भाव अपनी जान नूं जोखम विच पा के हड भनवी मेहनत किरस करके बनाई है, नहीं तो उसका प्यो इकला इन्नी जायदाद बनाने जोगा नहीं सी। भावें असी इको माँ के पेटों जन्म नहीं लिया पर ऊ असी पिछले जन्म के सके भरा हैं। वह होर उसनू माण दिंदा होया कहिंदा है कि बेशक ठोले ने ते धर्म सिंह के प्यो ने एक माँ की कुख तो जन्म नहीं लिया पर फिर भी वह पिछले जन्म विच जरूर सके भरा रहे होणगे। ये तो कोई भगती च भंगणा पै गई सी जो ये होर करे जम पिया। ठोले नाल वो अपने मोह प्यार नूं प्रगट करदा होया कहिंदा है कि उहदा इन्ना उहदे नाल मोह प्यार है कि उस उहदी सके भरावां वांग है। ये तो जरूर कोई उहदी भगती च कोई रुकावट जां विघन पै गया है जां कोई कमी रह गई है कि वह उन्होंने इक्के माँ की कुख तो जन्म नहीं लिया तो ठोला किसी होर घर जमया है। तो उदों जगसीर दे प्यो दीआं भुब्बां निकल गई सन, भुब्बां निकल जाणियां भाव जारो जार रोणा। ते जदों धर्म सिंह दे प्यो ने ठोले की इन्नी वडियाई की उन्हें इन्ना माण दिता तो जगसीर का प्यो ठोला उच्ची उच्ची रोन लग पैंदा है। उन्हें धर्म सिंह दे प्यो दे पैर हंजुआ नाल धो दिते सन। उन्हें भी अपने सारे परिवार के सामने जगसीर दे प्यो नूं सैनत मार के अपने मंजे की ही उत्ते बिठा के अपनिया निर्जिंद बाहां उहदे गल वल वधा दित्तियां सन। इत्थे धर्म सिंह दे प्यो दे आखरी समय का वर्णन किया गया है कि जदों उसका अंतिम समा आता है तो वह ठोले की वडियाई करदिया होया ठोले की बाह धर्म सिंह नूं फड़ा दिंदा है। तो ठोला भी बहुत भावुक ते जज्बाती हो जाता है ते फिर उस समय धर्म सिंह का प्यो अपने सारे परिवार के सामने जगसीर दे प्यो ठोले नूं इशारा करता है ते उसनूं अपने मंजे की ही उत्ते बिठा के अपनिया आखरी समय जो बाहां बेजान हुई होंदिया हन निर्जिंद हुई हन उहदे गल वल वधा दिंदा है भाव उसनू अपने गल नाल ला लैंदा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 13 की रीडिंग तो बाद हुण सानू ये स्पष्ट हुंदा है कि जदों जगसीर अपने खेत दे विच हल लैके पहुँचता है तो खेत विच उग्या होया घा ते रप्पड़ हुई जमीन देख के उसका मन कुछ बुझ जिहा जांदा है ते फिर वह इस पैली नाल अपनी सांझ याद करता है ते चेते करता है कि किस तरह उसके प्यो ठोले धर्म सिंह का प्यो अपना धर्म का भरा बना के लियाया सी ते उसने ये चार विघे जमीन उसनू वाहुण बीजण लई दित्ती हुई सी ते वह जमीन उसके नाम ही करवाना चाहता सी पर कुछ रुकावटां करके उसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होंदी।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਪਿਓ ਠੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਸੀਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੋਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਲਵਰਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਠੋਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਜੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਠੂਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 12 ਅਤੇ 13 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।